नमस्कार दोस्तों, मैं कोदो हूँ। वही कोदो जिसकी आप रोटी, बाड़ी, पलो और ऐसी ही कई चीज़ें बनाते हैं। अब तो मेरे बिस्कुट भी बनने लगे हैं। एक ज़माना था जब घरों में मेरी ही बनी रोटियाँ या ढबड़ी रोटी खाने को मिलती थी। ढबड़ी रोटी मेरे साथ गेहूं के आटे को मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभार ही गेहूं की रोटी बनती थी, तब गेहूं बड़े सम्मान से देखा जाता था। देखिए, कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। पहले लोग मुझे वह सम्मान नहीं देते थे जिसका मैं हकदार था, और अब सभी चाहते हैं कि उन्हें मेरी बनी रोटी मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि मैं बेहद गुणकारी हूँ। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनूंगा, मतलब आगे आपको अपने गुणों के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले यह तो बता दूं कि पहाड़ियों का मुख्य भोजन बनने से पहले मैं कहाँ रहता था। क्या आपको पता है कि मेरा जन्म अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था? सिंधु घाटी की सभ्यता के समय मैं अफ्रीका से भारतीय प्रायद्वीप पहुँचा, और फिर मुझे हिमालय के पहाड़ प्रिय लगने लगे। जिसे आज आप उत्तराखंड कहते हो, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया और मैंने भी उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखा। यहाँ के लोग मुझे कोदा, कोदू, कोदो या क्वादू कहते हैं। हिंदी में मुझे मंडवा और कुछ जगह रागी कहा जाता है। मेरा अंग्रेजी नाम फिंगर मिलेट है। आप मेरा वानस्पतिक नाम जानना चाहेंगे? चलो मैं ही बता देता हूँ, इल्यूसाइन कोराकाना। कैसा लगा मेरा वानस्पतिक नाम आपको? गढ़वाली में मेरे खेत को क्वादड़ या कोदाड़ू कहते हैं। मेरी बनी रोटी चूना की रोटी या कोदली या कोली कहलाती है। अब आप मेरे गुणों के बारे में भी जानना चाहेंगे? क्या करूं, मुझे अपने गुणों का खुद ही बखान करना पड़ेगा। आप लोगों का जानना जरूरी है ना, इसलिए। मैं काला जरूर हूँ लेकिन गुणों की खान हूँ। इंसान को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, विटामिन बी, लौह तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जिंक मुझमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।